हेलो एवरीवन, आई एम सुमित, क्वालिफाइड सी एस आर नेट जे आर एफ एग्जाम। आई हैव 1 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड। बच्चों, मैं आपको क्वांटम मैकेनिक्स, आज जो हमारा टॉपिक क्वांटम मैकेनिक्स, प्रॉब्लम्स ऑन स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन एंड प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वांटम मैकेनिक्स का। इसमें से हर बार एक क्वेश्चन गेट और नेट जे आर एफ एग्जाम में जरूर से जरूर आता है। ये जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वो वेव फंक्शन से रिलेटेड होती है, वो प्रॉब्लम मैं आपको करवा चुका हूँ और ये हमारा 8th लेक्चर है। इससे पहले जितनी वेव फंक्शंस, पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है मेरे लेक्चर आप देख सकते हैं, जो अन अकेडमी सी एस आई आर नेट जो चैनल है हमारा, उस पर सारी चीजें ये YouTube पर अवेलेबल है सारी चीजें, सभी लेक्चर। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अपना शेड्यूल बता देता हूँ। मेरी 12:30 to 1 PM मंडे टू फ्राइडे क्लास होती है, जिसमें मैं गेट के प्रीवियस मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं करवाता हूँ। उसमें जो गेट के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं उसके साथ ही साथ थोड़ी बहुत थ्योरी भी बताता हूँ। ये मेरा 12:30 से लेक्चर होता है। ये लेक्चर हमारा अन अकेडमी सी एस आई आर नेट चैनल पे होता है ये लेक्चर, और 8 से 9 PM 1 आवर का ये लेक्चर होता है हमारा, जिसमें मैं आपको क्वांटम मैकेनिक्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो मैं आपको करवाता हूँ। ये जो टॉपिक है ये गेट के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो नेट में आते टॉपिक बस थोड़ा सा लेवल कम हो जाता है, वो गेट में भी वही चीजें आती हैं। ये भी मैं जो हमारा चैनल है अन अकेडमी सी एस आई आर नेट, इस पे ये लेक्चर लेता हूँ, ये भी इसी पे होता है। अगर आपको अन अकेडमी पर स्पेशल क्लास मेरी लेनी है, अन अकेडमी पर आपको स्पेशल क्लास लेनी है, वो भी हमारी अन अकेडमी पर होती है स्पेशल क्लास, अगर ये लेनी है तो उसके लिए आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाना है, वहां पर अन अकेडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करनी है, क्योंकि वो लेक्चर देखने के लिए आपको अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन लेना होता है, और उसके लिए आपको अन अकेडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करनी है। जैसे ही आप अन अकेडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करते हो तो आपको वहां पे गोल चूज करने का ऑप्शन आता है, कि गोल मतलब जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करनी है, लाइक सी एस आई आर नेट जे आर एफ गेट यूपीएससी सीजीएल एसएससी वगैरह, जिसकी भी आपको तैयारी करनी है आप अपना गोल चूज करो। हमने यहाँ पे सी एस आई आर यूजीसी नेट गोल चूज किया है। जैसे ही आप अपना गोल चूज करते हो तो आपको सब्सक्रिप्शन मॉड्यूल दिखाई देता है, सब्सक्रिप्शन मॉड्यूल लाइक 1 month course 3 month course 6 month course 12 month course 24 month course, हर एक कोर्स की डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट होती है। जो बच्चे क्रैश कोर्स करते हैं, मतलब जिसको टेस्ट जो सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो वो क्रैश कोर्स करते हैं, 1 और 3 month का सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करते हैं, लेकिन जो गेट और नेट जेआरएफ का एग्जाम हमारा, इसकी तैयारी के लिए कम से कम हमें 1 ईयर तो लग ही जाता है, 1 ईयर तो लग ही जाता है, तो 1 ईयर लगता, तो कम से कम अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना भी है तो 1 ईयर का लो। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लो, क्योंकि जो 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन है वो हमें मात्र 11,550 रुपये में मिलता है। अगर यही सारी फैसिलिटी अगर बाहर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से करते हैं या किसी ये कोर्स अगर बाहर से करते हैं तो आपको कम से कम 30,000 या 40,000 रुपये पे करना पड़ता है, 30,000 या 40,000 रुपये पे, लेकिन अन अकेडमी सारी फैसिलिटी आपको 11,550 रुपये में अवेलेबल करवाता है। इस पे जितने भी लेक्चर होते हैं वो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी होते हैं, अगर आपको कोई एक बार लेक्चर समझ में नहीं आता तो आप उसको बार बार रिकॉर्डेड फॉर्म में जो लेक्चर उसको बार बार देख सकते हैं, और हर एक लेक्चर की पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाई जाती है, हर एक लेक्चर की पीडीएफ भी मिलती है यहाँ पे। और एक और खास बात बताता हूँ कि जैसे आप SUM10 कोड, यहाँ पे कोड मांगा जाता है, जब आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपसे कोड मांगा जाएगा, वहां पे आप SUM10 डालो, जैसे ही आप SUM10 डालते हो तो आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट और मिलता है।
इंस्टेंट 10% डिस्काउंट और मिलता है उसमें, कि जो कोर्स आपको 12 मंथ के लिए 11,550 रुपये का मिल रहा था, 11,550 रुपये का मिल रहा था, वो आपको अब 10,395 रुपये का मिलेगा, 10% डिस्काउंट, आफ्टर 10% डिस्काउंट। तो इतना अच्छा मौका आपके लिए, लेकिन ये मौका केवल सीमित समय के लिए, क्योंकि हमारे जो प्राइजेस हैं वो बढ़ने वाले हैं, बढ़ने वाले विद इन 1 वीक, विद इन 1 वीक जो प्राइजेस हैं वो बढ़ने वाले हैं, और ये इतने भी नहीं, थोड़ा ज्यादा बढ़ने वाले हैं प्राइसेस। अगर किसी को अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेना है तो 1 हफ्ते से पहले पहले लो, 1 वीक से पहले पहले लो। और ये डिफरेंस यहाँ पे दिखाया गया है कि ये जो कोर्स 11,550 रुपये का पड़ रहा था हमें, ये 15,950 रुपये का मिलेगा आफ्टर इंक्रीजिंग इन द प्राइस। सो 4,400 रुपये में ज्यादा पड़ेगा। अगर आपको तैयारी करनी है नेट जीआरएफ की, अगर आपको मन है कि अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेना है, तो 1 हफ्ते से पहले पहले लो, ताकि क्योंकि आपकी तैयारी तो वही एजुकेटर पढ़ाएंगे, आपको वही फैसिलिटी मिलेंगी, और वो फिर ज्यादा पैसे मिलेगी। अब आपको ये 11,550 आफ्टर 10% डिस्काउंट, जैसे ही आप SUM10 कोड डालोगे तो 10% डिस्काउंट और मिलेगा, लेकिन ये आपको 4,400 ज्यादा रुपये पे करना पड़ रहा है। तो इससे जितना जल्दी हो उसके प्राइसेस बढ़ने से पहले अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लें। और मैं एक खास और बात बताता हूँ कि जो जून 2021 का नेट जीआरएफ का एग्जाम है, उसके लिए हमारे न्यू बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं, उसके लिए हमारे न्यू बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं। वो गेट गेट की भी प्रिपरेशन करवाई जाएगी, इसमें गेट नेट जीआरएफ के न्यू बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं, कि आप अगर तैयारी करना चाहते हैं अनअकैडमी पर, तो 1 वीक से पहले पहले, 1 वीक से पहले पहले ही अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले, क्योंकि प्राइसेस बढ़ जाएगा, फिर आपका भी पैसे का नुकसान होगा। तो जितना जल्दी हो उसके अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले, क्योंकि इतनी सस्ते में इतनी अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है अनअकैडमी। अगर आप अच्छे से मेहनत करते हो और अच्छी रेगुलर क्लासेस अटेंड करते हो, तो फर्स्ट टाइम में ही आपका जो गोल है वो आप पा सकते हैं, अपने सपने साकार कर सकते हैं। मैं बेनिफिट्स के बारे में बताता हूँ अनअकैडमी के। यहाँ पे मल्टीपल कोर्स इन सिंगल सब्सक्रिप्शन मिलते हैं, पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाती है, डायरेक्ट इंटरेक्शन होती है बच्चों के साथ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे भी अच्छे से डिस्कशन किया जाता है, होमवर्क भी दिया जाता है टाइमली। और आप जैसे ये 10 सुमित, अगर आपसे जब सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपसे कोड मांगा जाता है, रेफरल कोड, रेफर कोड, वहां पे आप SUM10 डालो, जैसे ही कोड डालोगे तो आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट और मिलेगा। और बच्चों जो पेमेंट के मोड होते हैं यहाँ पे, UPI, नेट बैंकिंग, EMI, वॉलेट, डिफरेंट डिफरेंट पेमेंट मोड होते हैं जिससे आप इसमें पेमेंट कर सकते हैं। दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट पेमेंट मोड। नो कॉस्ट EMI होती है यहाँ पे, नो कॉस्ट EMI, कि आपकी जो कोई इंटरेस्ट नहीं लिया जाता है EMI पे, आप अपनी मर्जी से EMI करवा सकते हैं। सो जो आज हमारा टॉपिक है, नाउ वी कम ऑन द टॉपिक, हमारा जो टॉपिक है वो है प्रॉब्लम्स ऑन स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन एंड प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। बच्चे ये दोनों टॉपिक हम पढ़ चुके हैं अच्छे से, हम डेरिवेशन भी कर चुके हैं इनका, कि अगर आपको फर्स्ट ऑफ स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम दी जाती है तो इस टाइप की, मतलब SI=EI, यहाँ पे आपसे ये टाइम इंडिपेंडेंट हो, टाइम इंडिपेंडेंट, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, क्योंकि जो डिपेंडेंसी है टाइम इंडिपेंडेंट नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल पे, टर्म पोटेंशियल पे डिपेंडेंट है। अगर पोटेंशियल हमारा टाइम इंडिपेंडेंट है तो जो वेव इक्वेशन होती है वो भी हमारी टाइम इंडिपेंडेंट होगी, और डिपेंडेंट है तो वो भी डिपेंडेंट होगी। इसमें क्या होता है कि इसमें साई दे देता है तो पोटेंशियल पूछ लेता है,
ये गिवन होता है और ये फाइंड आउट करना हमें। इसी तरह ये दे देता कई बार, तो वेव फंक्शन फाइंड आउट करना है, ये गिवन है तो वेव फंक्शन फाइंड आउट करना होता है। दूसरी टाइप की प्रॉब्लम ये है कि प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी में क्या है, इस टाइप की प्रॉब्लम के अंदर हमारा सिर्फ यही फार्मूला होता है माइनस आयोटा एच कट बाय 2m साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार, ये फार्मूला होता है। और जो ये फार्मूला होता है ये हमेशा वैलिड होता है, रियल रियल पार्ट ऑफ साई स्टार, रियल पार्ट ऑफ साई स्टार वी साई, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वी साई स्टार साई, सो वी साई स्टार साई को लिख सकते हैं मोड ऑफ स्क्वेयर। ये फॉर्मूला उस टाइम वैलिड होता है, वैलिड व्हेन साई इज ए कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी। हमारा जो साई है वो अगर कॉम्प्लेक्स है तो ये फार्मूला वैलिड होता है, ये फार्मूला हमारा वैलिड होता है। और मैं एक और बता देता हूं आपको कि जब पार्टिकल वेलोसिटी है, ये हमारी पार्टिकल वेलोसिटी है, तो पार्टिकल वेलोसिटी जैसे हम मोमेंटम निकालते हैं तो मोमेंटम के लिए क्या निकालते हैं, ऑपरेटर, तो इसके लिए ऑपरेटर होता है एच कट बाय एम डेल बाय डेल एक्स, ये होता है पार्टिकल वेलोसिटी के लिए ऑपरेटर। मैं आपको अच्छे से न्यूमेरिकल समझाऊंगा इसमें जब आपको क्लियर हो जाएगी सारी चीजें। सो वी स्टार्ट करते हैं भैया, हम ये देखो, फोर ए पार्टिकल ऑफ मास एम इन वन डायमेंशन हार्मोनिक ऑसिलेटर, वी एक्स पोटेंशियल गिवन हमें, फाइंड द फर्स्ट एक्साइटेड एनर्जी आइगन स्टेट इज दिस। ओके, आइगन स्टेट दी गई है हमें, फर्स्ट आइगन स्टेट साई, द वैल्यू ऑफ ए इज, कॉन्स्टेंट की वैल्यू पूछी है ए की, सो नाउ वी नो दैट इन दिस प्रॉब्लम हमें वी भी दिया गया है और साई भी दिया गया है। वी नो दैट रोडिंजर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन इज क्या थी, एच आई ई साई, मतलब माइनस एच कट स्केयर बाय 2m माइनस एच कट स्केयर बाय 2m डी टू साई डी एक्स स्केयर प्लस वी एक्स साई इज इक्वल टू ई ऑफ साई। नाउ हमें जो पोटेंशियल ये गिवन है और वेव फंक्शन हमें गिवन है, तो जस्ट हमें वेव फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव निकालना है यहाँ पे और यहाँ पुट कर देंगे। जैसे हम यहाँ पुट करेंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू हम निकाल देंगे, सो ये हम दोबारा से लिख देते हैं माइनस एच कट स्केयर बाय 2m डी टू साई डी एक्स स्क्वेयर प्लस वी एक्स साई है साई इज इक्वल टू ई साई, और हमें साई जो गिवन है वेव फंक्शन वो है हमारा एक्स ई की पावर माइनस ए एक्स स्क्वेयर, वी एक्स है जो हमारा वो है हाफ एम ओमेगा स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, सो डी बाई डी एक्स ऑफ साई निकालो भाई, डी बाई डी एक्स एक्स माइनस ए एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स एज इट इज, एक्सपोनेंशियल का ए एज इट इज इंटू एक्सपोनेंट का माइनस 2ax। ओके, फिर प्लस एक्सपोनेंशियल एज इट इज और एक्स का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव 1, तो जो आया हमारा वो आया माइनस 2ax² ए की पावर ए की एक्सपोनेंशियल माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस
माइनस ए एक्स स्क्वायर, तो इसको इकट्ठा लिख लेते हैं, माइनस टू ए एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर। अब दोबारा से फिर दोबारा से डेरिवेटिव, डी टू साई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इस टर्म का डेरिवेटिव करो भाई फर्स्ट एज इट इज। फर्स्ट एज इट इज इसका डेरिवेटिव सेम, देन माइनस टू ए एक्स फिर प्लस ई की एक्सपोनेंशियल एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव माइनस फोर ए एक्स प्लस वन का डेरिवेटिव जीरो। ए एक्स स्क्वायर ये एज इट इज इसका डेरिवेटिव, अब ये एज इट इज इसका डेरिवेटिव, सो इसका डेरिवेटिव आ गया ये। तो ये टर्म लिखो भाई, इसमें अंदर लेके जाते हैं माइनस माइनस प्लस, फोर ए एक्स क्यूब, फोर ए एक्स क्यूब प्लस माइनस टू ए एक्स एक्सपोनेंशियल यहाँ है माइनस फोर ए एक्स माइनस का फोर ए एक्स माइनस माइनस प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस ए एक्स स्क्वायर, ये हो गया हमारा फोर ए एक्स क्यूब माइनस सिक्स ए एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर। नाउ यूजिंग जो हमारी इक्वेशन उसमें यूज करो ये सारी वैल्यू, माइनस एच कट स्क्वायर बाय टू एम फोर ए एक्स क्यूब माइनस सिक्स ए एक्स इंटू माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स इंटू एक्स ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई साई ई माइनस ए एक्स स्क्वायर। सो जो ये टर्म है ये कैंसिल आउट हो जाएगी, यहाँ पे एक्स कॉमन निकाल लेंगे कैंसिल आउट हो जाएगी, तो बचा है वो लिखो यहाँ पे माइनस एच कट स्क्वायर बाय टू एम फोर ए एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स ए प्लस वी एक्स इज इक्वल टू ई। नाउ पुटिंग पोजिशन डिपेंडेंट टर्म इज इक्वल टू जीरो, पोजिशन डिपेंडेंट टर्म जीरो, सो ये आया हमारा एच कट स्क्वेयर बाई टू एम फोर ए एक्स स्क्वेयर ये जीरो, ये मतलब पोजीशन डिपेंडेंट टर्म निकली है अपने बेस जीरो इज प्लस वी एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये आ गया हमारा। तो नेक्स्ट स्लाइड, माइनस एच कट स्क्वेयर बाय टू एम फोर ए एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस वी एक्स, सो वी एक्स से वी ए प्लस पॉजिटिव साइन हो गया है। वी एक्स हमें गिवन है, वी एक्स क्या था, हाफ एम ओमेगा स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, हाफ एम ओमेगा स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, हाफ एम ओमेगा स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर। सो सोल्व करो वी ए के लिए, तो टू टू ओके दिस इम्प्लाइज क्या बचा हमारा एच कट स्क्वेयर, एच कट स्क्वेयर टू ए बाय एम एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा ए इज इक्वल टू वन बाय फोर एम स्क्वेयर, वन बाय फोर एम स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर बाय एच कट स्क्वेयर, ये बचा हमारे पास।
सो ये बचा भाई, इसको सोल्व करो। ये हमारा ए, लेकिन हमसे क्या पूछा गया है? सो वैल्यू ऑफ द ए इज, वैल्यू ऑफ द ए इज, वैल्यू ऑफ द ए, जो हमारी प्रॉब्लम है उसको ध्यान से देखो एक बार, क्यों कहीं ये देखो, -2ax, 2ax, सो मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ ए स्क्वेयर हो जाता है, यहाँ भी ए स्क्वेयर आएगा, यहाँ भी ए स्क्वेयर, और यहाँ भी ए स्क्वेयर, देन यहाँ भी ए स्क्वेयर, और यहाँ भी ए स्क्वेयर, और यहाँ भी ए स्क्वेयर, सो ए इज इक्वल टू अंडर रूट 1/4 एम स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर एच कट स्क्वेयर, दिस इंप्लाइज एम ओमेगा बाय 2 h कट। सो ए की वैल्यू आ गई जो हमारी एम ओमेगा बाय 2 h कट है। इस देखो किसी ऑप्शन में हमारी ये वैल्यू मिलती है या नहीं मिलती, एम ओमेगा बाय 2 h कट। सो सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। सो ट्रिक और बता देता हूं मैं, सो ट्रिक और बता देता हूं कि सो ट्रिक में क्या है, सो ट्रिक में है ये कि जो हमें पता है कि जो हमारा हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है उसका वेव फंक्शन होता है, अगर हमें पता है तो ई माइनस ओमेगा स्केयर एक्स स्केयर बाय 2 होता है, ओमेगा स्केयर एक्स स्केयर बाय 2, जहां पे ये अल्फा, अल्फा स्केयर की वैल्यू होती है हमें पहले पता है, एम ओमेगा बाय एच कट होती है, एम ओमेगा बाय एच कट होती है। सो कंपेयर करो भाई जो वेव फंक्शन गिवन है उसको, एक्स एक्सपोनेंशियल, एक्स एक्सपोनेंशियल माइनस ए एक्स स्क्वायर। सो यहाँ पे इससे कंपेयर करते हैं हम जब इस प्रॉब्लम को जो मारी में, तो अल्फा स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू ए इक्वल टू, ये इसके इक्वल है, अल्फा स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू ए, दिस इंप्लाइज अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 2 ए, सो दिस इंप्लाइज 2 m ओमेगा बाय एच कट, 2 m ओमेगा बाय एच कट अल्फा स्क्वायर। सो जो यहां से हम निकालते हैं वैल्यू, अगर अल्फा स्क्वायर बाय 2 है, अल्फा स्क्वायर बाय 2 है जो हमारा ओ ए है, तो अल्फा स्क्वेयर इक्वल टू 2a, अल्फा स्क्वेयर इज इक्वल टू 2a, अल्फा क्या है हमारा, अल्फा ये है, सो a यहां से आ गया m ओमेगा बाय 2 h कट। तो सिंपल सिंपल केस, अगर हमें पता है कि हार्मोनिक ऑसिलेटर है उसका जो वेव फंक्शन होता है इस टाइप का होता है, तो हम सिंपली निकाल सकते हैं इसको, सिंपली निकाल सकते हैं इसको। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मूव करते हैं हम, कि द ग्राउंड स्टेट ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास, यूनिट मास, यूनिट मास इन ए, मतलब हमें यूनिट मास दिया गया है, इन ए 1D पोटेंशियल इज दिस, ये फंक्शन है, द पोटेंशियल साई इज सुटेबल यूनिट सो दैट एच कट इज इक्वल एम, और एच कट 1 है हमारा इज ओके। तो वी निकालना भाई, जो वी है वो निकालना हमें इसमें, इस प्रॉब्लम में हमें वी निकाल के दिखाना पोटेंशियल। सो वही एस आई इक्वल टू ई साई, टाइम इंडिपेंडेंट पोटेंशियल, टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन, एच कट स्क्वायर बाय 2 m, डी 2 / dx स्क्वायर साई प्लस वी एक्स आई और ई साई, ये स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन अप्लाई करनी है और कुछ निकलना इसमें हमें। सो वेव फंक्शन बताओ क्या दिया गया, वेव फंक्शन, वेव फंक्शन दिया गया हमें एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल एक्स स्क्वेयर बाय 2 कोस हाइपरबोलिक अंडर रूट 2 x, कोस हाइपरबोलिक अंडर रूट 2 x, ये हमें दिया गया है। तो डी बाई डी एक्स निकालो भाई, साई का डेरिवेटिव, एक्सपोनेंशियल एज इट इज माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 2 एज इट इज, इसका डेरिवेटिव, कोस का डेरिवेटिव साइन हाइपरबोलिक, देन
एंगल का डेरिवेटिव अनरूट टू प्लस कोस हाइपरबोलिक एज इट इज एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव माइनस टू एक्स एक्स उसे टू कैंसिल, ये आ गया भाई। इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख लेते हैं, सो अंडर रूट साइन हाइपरबोलिक अंडर रूट टू एक्स प्लस कोस हाइपरबोलिक अंडर रूट टू एक्स माइनस एक्स है तो ये साइन माइनस कर लेते हैं यहाँ पे, माइनस का साइन एक्स और सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख लिया हमने सिंप्लीफाई। सो नाउ सेकंड डेरिवेटिव इस टर्म का करो भाई, सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज अंडर रूट टू साइन हाइपरबोलिक अंडर रूट टू एक्स माइनस एक्स कोस हाइपरबोलिक अंडर रूट टू एक्स इसका डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस एक्स, देन एक्सपोनेंशियल एज इट इज इसका डेरिवेटिव अंडर रूट कोस हाइपरबोलिक अंडर रूट टू एक्स और एंगल का डेरिवेटिव अंडर रूट टू माइनस का साइन इसका डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज कोस का साइन साइन हाइपरबोलिक अंडर रूट टू एक्स और अंडर रूट टू उसके बाद ये एज इट इज इसका तो कोस हाइपरबोलिक अंडर रूट टू एक्स और एक्सपोनेंशियल हमारा बाहर है। सो एक्सपोनेंशियल ये है एक्सपोनेंशियल ये है, इसमें से जो भी टर्म अगर लग रहा कोई टर्म कैंसिल होने की है तो कैंसिल कर दो भाई, अगर नहीं है तो उसको लिखो जो भी आती है। तो देखते हैं कौन सी टर्म दिक्कत आती मतलब कैंसिल आउट होती हैं या नहीं होती हैं। सो इसको लिख लेते हैं, इसमें माइनस एक्स बार है, ये माइनस एक्स एक्स को अंदर लेके जाओ एक्स को अंदर लेके जाओ। सो एक्स को जैसे ही अंदर लेके जाते हैं हम तो हमारे पास क्या क्या आता है देखो, इसमें देखो भाई माइनस एक्स ये हो गया साइन हाइपरबोलिक की और कोस हाइपरबोलिक की टर्म इकट्ठी अलग अलग कर लेते हैं हम सेपरेट सेपरेट। सो माइनस एक्स हम पहले साइन की लेते हैं तो माइनस अंडर रूट टू एक्स, इसमें क्या कौन सी टर्म है हाइपरबोलिक की साइन की ये, सो माइनस अंडर रूट टू एक्स, सो इसमें ये माइनस का आया है और इसमें भी माइनस का है अंडर टू एक्स, और टर्म है नहीं है। सो ये है साइन हाइपरबोलिक अंडर टू एक्स की टर्म, अब लेते हैं हम साइन कोस की। सो कोस की लेते हैं, कोस में है ये एक ये टर्म है माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसमें कोस की टर्म है ये टू अंडर टू टू प्लस टू और टर्म है ये यहाँ पे है माइनस वन, ये आ गया कोस हाइपरबोलिक अंडर रूट टू एक्स ये आ गया वही, उसके बाद एक्सपोनेंशियल की टर्म। और एक्सपोनेंशियल की टर्म नाउ यूजिंग स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन, जो फाइनल स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन है हम उसको यूज करते हैं इसमें। ये बच गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये बच गया हमारा टू अंडर टू एक्स, इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में और लिख लेते हैं वैसे तो माइनस टू अंडर टू एक्स साइन
हाइपरबोलिक अंडर रूट 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 कोस हाइपरबोलिक अंडर 2x एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। नाउ यहां तक अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ भाई। सो नेक्स्ट जो हमारी है प्रॉब्लम उस पे देखते हैं हम। नेक्स्ट जो है हमारी उस पे हम डिस्कस करते हैं। सो नेक्स्ट इसमें पुट करते हैं एक्स स्क्वायर बाय 2m डी टू साई डी एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स साई इज इक्वल टू ई साई। नाउ सारी टर्म इसमें पुट करते हैं एच कट स्क्वायर बाय 2m। ये आई थी हमारी 2 अंडर रूट 2 साइन हाइपरबोलिक अंडर रूट 2x और आया था प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 नॉट माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 नॉट माइनस ओके एक्स स्क्वायर प्लस 1 कोस हाइपरबोलिक अंडर टू एक्स एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 और प्लस वी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय अंडर टू कोस हाइपरबोलिक अंडर टू एक्स इज इक्वल टू ई एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 कोस हाइपरबोलिक अंडर टू एक्स। सो डिवाइड बाय कोस हाइपरबोलिक अंडर टू एक्स बोथ साइड्स वी विल गेट माइनस 2 अंडर टू टेंजेंट हाइपरबोलिक अंडर टू एक्स क्योंकि साइन बाय कोस टेंजेंट प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये बचा टर्म इसमें जब डिवाइड करेंगे तो ये गया तो इससे ये कैंसिल तो हमारे पास टोटल जो टर्म बचे हो क्या वी एक्स इज इक्वल टू ई ये बचा हमारे पास ये बचा हमारे पास फाइनल फॉर्म। नाउ नाउ पोजिशन पोजिशन डिपेंडेंट पार्ट इज इक्वल टू जीरो। सो ये वन है ये पोजिशन इनडिपेंडेंट पार्ट है तो पोजिशन डिपेंडेंट पार्ट है सिर्फ ओ ले लेते हैं इसमें और इनडिपेंडेंट पार्ट जीरो पुट कर देते हैं तो उसमें देखो क्या बचा माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m ओके और एक्स स्क्वायर राइट माइनस 2 अंडर रूट 2 टेंजेंट हाइपरबोलिक अंडर 2x प्लस वी एक्स इक्वल टू जीरो। लेकिन हमारे केस में एच कट 1 दिया गया है एम इक्वल टू 1 दिया गया है तो ये सारी टर्म पुट की तो माइनस का हाफ बचाइए माइनस का हाफ बचाइए। सो माइनस का हाफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 2 टेंजेंट हाइपरबोलिक अंडर रूट 2x प्लस वी एक्स इज इक्वल टू जीरो। सो वी एक्स ये यहाँ पे माइनस का उस साइड जाके प्लस का इज इक्वल टू हाफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 2 टेंजेंट हाइपरबोलिक अंडर रूट 2x। सो दिस इज द राइट आंसर पोटेंशियल फॉर्म। इसको देखो कौन से में मैच का मिलता है या नहीं मिलता जो आंसर दिया गया उसमें। सो देखो भाई कौन से में मैच करता है ये एक्स स्क्वायर 2 अंडर रूट 2 टेंजेंट हाइपरबोलिक टेंजेंट हाइपरबोलिक ओह ये था हमारा माइनस 2 अंडर 2 एक्स। सो यहाँ एक्स है यहाँ भी एक्स है यहाँ भी एक्स की टर्म है यहाँ भी एक्स की टर्म है सो यहाँ भी एक्स की टर्म है यहाँ पे। तो राइट आंसर देखो भी कौन सा है ये जो राइट आंसर है हमारा वो है बी बी इज द राइट आंसर।
इज द राइट आंसर, क्योंकि इसमें टू से टू कैंसिल कर दिया गया है, ये टू है जो ये सेपरेट कर दिया गया इसके अंदर, तो एक्स स्क्वायर बाय टू, टू से टू कैंसिल, अंडर रूट टेंजेंट एक्स टेंजेंट हाइपरबोलिक अंडर रूट टू एक्स, सो बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। नाउ हमारी जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है उस पे आते हैं हम, द वेव फंक्शन हमारा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी से रिलेटेड, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी से रिलेटेड, मैं आपको उसके फार्मूलाज वगैरह बता चुका हूं। सो ये देखो, द वेव फंक्शन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन द फ्री स्पेस, फ्री स्पेस मीनिंग पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू जीरो, द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज, एनर्जी निकालनी हमें, सो हमें पता है कि एनर्जी एस आई इक्वल टू ई साई, एस आई इज इक्वल टू ई साई, और जो ई साई होती है हमारी वो क्या होती है बताओ, यहाँ पे माइनस एच कट स्क्वेयर बाय टू एम डी टू डी एक्स स्क्वेयर, और जो साई साई हमारा क्या गिवन साई हमारा एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स प्लस टू आयोटा माइनस माइनस आयोटा के एक्स, ये हमारा, इसको सोल्व करो भाई, माइनस एच कट स्क्वेयर बाय टू एम, डेरिवेटिव करो इसका, फर्स्ट डेरिवेटिव किया फर्स्ट ऑफ ऑल एक ही आयोटा के एक्स आयोटा के प्लस टू माइनस आयोटा के एक्स, सो एच कट स्क्वेयर बाय टू एम, दोबारा से फिर डेरिवेटिव किया ई की पावर आयोटा के एक्स आयोटा के इसका होल स्क्वेयर प्लस टू माइनस आयोटा के इसका होल स्क्वेयर एक्स, सो माइनस एच कट स्क्वेयर बाय टू एम आयोटा स्क्वेयर माइनस वन के स्क्वेयर माइनस के स्क्वेयर ई की पावर आयोटा के एक्स प्लस आयोटा स्क्वेयर माइनस टू के स्क्वेयर ई की पावर माइनस आयोटा के एक्स, दिस यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। सो माइनस माइनस के स्क्वेयर कॉमन एच कट स्क्वेयर के स्क्वेयर बाय टू एम ई की पावर आयोटा के एक्स प्लस टू ई की पावर आयोटा के एक्स माइनस वाला, और ये हमारा साई, सो हमारा आ गया एच कट स्क्वेयर के स्क्वेयर बाय टू एम साई, सो दिस इज द आइगन वैल्यू ऑफ एनर्जी, वैल्यू ऑफ एनर्जी, दिस इंप्लाइज जो एनर्जी की आइगन वैल्यू है जो ई हमारी आगे कितना एच कट स्क्वेयर के स्क्वेयर बाय टू एम, सो राइट आंसर चूज करो बाय एच कट स्क्वेयर के स्क्वेयर बाय टू एम, सो सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या थी कि द प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी फॉर ए रियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन इज, रियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन इज, तो रियल पार्ट निकालना भाई, साई हमारे पास दिया गया है ई की पावर आयोटा के एक्स प्लस टू ई की पावर माइनस आयोटा के एक्स, ई की पावर आयोटा थीटा जो हमारा होता है, आयोटा थीटा होता है कोस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा, और ई की पावर माइनस आयोटा थीटा होता है वो कोस ऑफ थीटा माइनस आयोटा साइन ऑफ थीटा होता है, सो इसको यूज करते हैं हम इसमें, सो साई का आता है कोस ऑफ के एक्स प्लस आयोटा साइन ऑफ के एक्स प्लस ट्वाइस कोस ऑफ के एक्स माइनस ट्वाइस साइन ऑफ के एक्स आयोटा आएगा इसमें, सो कोस कोस थ्री कोस ऑफ के एक्स माइनस आयोटा साइन ऑफ के एक्स, सो रियल पार्ट प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी ऑफ रियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन, रियल पार्ट ऑफ साई, साई रियल क्या आ गया हमारा थ्री कोस ऑफ के एक्स, हमें पता है कि रियल पार्ट साई के लिए हम जो फार्मूला हम यूज करने वाले हैं वो क्या होता है प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का,
माइनस आयोटा एच कट डिवाइड बाय 2m साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार। इस दिस इसमें अगर ये साई है तो साई स्टार रियल पार्ट का अगर लेंगे वो आएगा 3 cos of kx। सो इसका मतलब ये टर्म और ये टर्म बोथ आर इक्वल, तो कैंसिल आउट कर देंगी, माइनस आयोटा एच कट बाय 2m ये कैंसिल आउट 0, सो इक्वल टू 0। सो रियल पार्ट की अगर प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी निकाली जाती हो तो आती है 0। सो डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। सो डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। नाउ कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी फॉर ए गॉसियन वेव पैकेट, फॉर ए गॉसियन वेव पैकेट। नाउ इस प्रॉब्लम में हमें दिया गया साई, तो साई स्टार हमें निकाल लेंगे भाई। साई स्टार निकाल ली हमने, ए एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर प्लस आयोटा की जगह माइनस आयोटा पी नोट एक्स बाय एच कट। यहां तक किसी को प्रॉब्लम हो तो बताओ भाई, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज देखो, मैं आपको बताता हूं कि इस प्रॉब्लम के दो मेथड है सोल्व करने के, दो मेथड हैं सोल्व करने के। हमने पढ़ा था कि अगर हमारा वेव फंक्शन है वो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स है, देन जो फार्मूला यूज कर सकते हैं हम, वो ये भी कर सकते हैं, वी साई मोड स्क्वेयर, वी साई मोड स्क्वेयर। और वी होता है हमारा मोमेंटम, वी होता है मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है, वी होता है वेलोसिटी, पी नॉट बाय एम, क्योंकि पी इक्वल टू एम वी होता है। सो पी नॉट बाय एम, इस फार्मूले से अगर हम निकालते हैं तो निकालो भाई, एस की जो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी की वैल्यू आएगी पी नॉट बाय एम साई स्टार साई। सो साई स्टार साई निकाल लेंगे तो पी नॉट बाय एम साई स्टार साई ए का मोड का स्क्वेयर एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस 2x² बाय ए स्क्वेयर, और ये कैंसिल आउट हो जाएगी, ये आएगी वैल्यू हमारी डायरेक्ट फार्मूले से। तो अगर वेव फंक्शन हमारा कॉम्प्लेक्स है तो अब हम ये इस मेथड से भी निकाल लेते हैं, साई माइनस आयोटा एच कट बाय 2m साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार, इससे भी यूज करके निकालो भाई। नाउ एस इक्वल टू माइनस आयोटा एच कट बाय 2m साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई। सो करो डेरिवेटिव डेल साई स्टार, डेल साई निकाला हमने, डेल साई, डेल साई मतलब डेरिवेटिव, अगर वन वेरिएबल है तो डेल साई ये होता है। सो गिवन प्रॉब्लम में देखो एक्सपोनेंशियल सेम, एक्सपोनेंशियल में क्या क्या दिया गया है, माइनस एक्स स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर प्लस आयोटा पी नोट बाय एच कट एक्स। नाउ एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव, एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव क्या होगा इसका, 2x बाय ए स्क्वेयर प्लस आयोटा पी नोट बाय एच कट, ये हो गया। नाउ डेल साई स्टार निकालो भाई, उसमें क्या होगा, डेल साई स्टार में dx ए एक्सपोनेंट ऑफ माइनस एक्स स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर माइनस आयोटा पी नोट बाय एच कट एक्स, और इसका डेरिवेटिव 2x बाय ए स्क्वेयर माइनस आयोटा पी नोट बाय एच कट, ये होगा। नाउ इसको मल्टीप्लाई करो साई स्टार से, साई स्टार से, जैसे हम इसको साई स्टार से मल्टीप्लाई करते हैं, मीनिंग साई स्टार डेल साई निकाला जाता है अगर, सो ए का मोड का स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर साई से मल्टीप्लाई करा, ये माइनस का होगा, साई स्टार में माइनस का, ये साई स्टार के केस में ये माइनस का है, ये माइनस का, सो ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी साई स्टार से, इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे सो कैंसिल आउट हो जाएगी, ये तो कैंसिल, ये ट्वाइस हो जाएगी।
मल्टीप्लाई करेंगे और बची ये टर्म हम लिख लेते हैं, माइनस टू एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस आयोटा पी नोट बाई एच कट, और अब साई डेल साई स्टार निकाला जाता है, उसमें क्या आएगा मोड का तो स्केयर ये तो आएगा, और उसमें भी ये आएगा टू एक्स स्केयर बाई ए स्केयर, और उसमें आएगा ये टू एक्स बाई ए स्केयर, इसमें माइनस का आयोटा है, माइनस आयोटा पी नोट बाई एच कट ये है। इब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट करो, जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे दिस इंप्लाइज ये निकाल लेंगे साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये कॉमन टू एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कॉमन, इसको सब्ट्रैक्ट करके दिखाओ भाई, ये कैंसिल आउट, ये माइनस माइनस प्लस, और तो आया आयोटा टू आयोटा पी नोट बाई एच कट ये आया, लेकिन ये टर्म हमारे किसके इक्वल है आयोटा एच कट बाय टू एम माइनस, मल्टीप्लीकेशन में करना है इसके, ए का स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर टू आयोटा पी नोट बाय एच कट, सो टू से टू कैंसिल, एच कट से एच कट कैंसिल, आयोटा आयोटा माइनस 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 प्लस, सो प्लस वन तो ये हो गया प्लस वन, और पी नोट बाय एच पी नोट बाय एम पी नोट बाय एम ए का मोड का स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस टू एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, इसका मतलब ये क्या हमारी वेलोसिटी, ये वेलोसिटी ये वैल्यू आई हमारी, ये वैल्यू आई है, और जो लास्ट टर्म निकाली थी हमने वो भी तो यही थी, ये वेलोसिटी थी, वेलोसिटी इनटू साई स्टार साई यही तो था, तो हमारा मतलब दोनों केस में जो आया वैल्यू वो सेम आई है, तो दिस इज द सॉल्यूशन। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं बच्चे, नाउ वी 3D में पूछ सकते हैं, मतलब कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फॉर ए 3D फंक्शन, 3D फंक्शन, सो सिंपल फॉर्मूला है, अगर आपको वी साई वेलोसिटी की टर्म में निकालनी है तो वेलोसिटी का आपको पता ही है, जो वेक्टर ये होता है वेलोसिटी के केस में 2m डेल बाय डेल एक्स साई ये होता है, इससे आपको जो आइगन वैल्यू आएगी, मतलब इसमें r है 3D में, जो भी आइगन वैल्यू आएगी लैम्डा साई, जो लैम्डा आइगन वैल्यू आएगी उसको आप यहां से पुट कर देना, v इक्वल टू v साई साई स्टार इसमें, तो या तो इससे कर सकते हो आप, या फिर जो ये फॉर्मूला है साई s इक्वल टू माइनस आयोटा एच कट बाय टू एम साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार, सो इसमें साई स्टार निकाल लिया हमने r a बाय r आयोटा माइनस आयोटा k बाय k r आयोटा k r है ये, यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, सो हम यहां से निकालते हैं टेल ऑफ साई, टेल ऑफ साई, टेल ऑफ साई निकालो भाई डेरिवेटिव इसका, डेरिवेटिव a बाय r एज इट इज e की पावर माइनस आयोटा k r का एक्सपोनेंट का फिर r के विद रिस्पेक्ट माइनस आयोटा के, आफ्टर दैट एक्सपोनेंशियल एज इट इज 1 बाय आर का माइनस 1 बाय आर का स्क्वायर, सो इसको इकट्ठा लिख लेते हैं, ए ई की पावर माइनस आयोटा के आर तो बाहर आ गया, बाय आर भी बाहर आ गया, सो बच्चा क्या माइनस आयोटा के माइनस ए बाय आर ये टर्म बची है। इसी तरह डेल साई स्टार का निकाल लेते हैं, ये डेल साई स्टार का था, डेल साई स्टार के लिए था ये, ओके इस डेल साई स्टार के लिए था, ये डेल साई साई के लिए निकाल लेते हैं, साई के लिए निकालो भाई,
साई के लिए क्या कैसे आएगी? वही सेम, वो ए बाई आर एज इट इज ई की पावर आयोटा के आर, आयोटा के प्लस ई की पावर माइनस आयोटा के आर, ए 1/r का स्क्वायर, ये प्लस का है इसमें क्योंकि, और तो इसी तरह इसमें क्या कॉमन आ गया, ए ई की पावर आयोटा के आर डिवाइड बाय आर प्लस आयोटा के माइनस ए बाय आर। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ भाई। सो नेक्स्ट में हमें क्या करना है, नेक्स्ट में इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है किससे, साई, साई से इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है साई स्टार से। सो करते हैं भाई हम, साई स्टार डेल ऑफ साई निकालते हैं। साई स्टार की क्या हमारा ए बाय आर एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के आर, और डेरिवेटिव जो अभी निकाला था वो क्या आया था, ए बाय आर ई की पावर आयोटा के आर माइनस आयोटा के माइनस ए बाय आर, ये आ गया साई स्टार डेल ऑफ साई इज इक्वल टू ए स्क्वेयर आर स्क्वेयर, ये कैंसल आउट आयोटा के माइनस ए बाय आर। सो अब निकालना साई डेल साई स्टार, उसमें क्या आएगा इसी तरह ए स्क्वेयर आर स्क्वेयर, यहाँ पे लेकिन टर्म आयोटा के थी, ये ए बाय आर ही है। सो नाउ सब्ट्रैक्टिंग दिस टर्म बोथ, बोथ टर्म इज इक्वल टू डेल साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार इज इक्वल टू ए स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर कॉमन, और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आता है, सब्ट्रैक्ट करो भाई इन दोनों को, जब सब्ट्रैक्ट करते हैं सो वी विल गेट ए, हमने इसमें कॉमन ले लिया था, यहाँ 1/r है, यहाँ भी ए हमने कॉमन लिया था 1/r है, तो इन जो ये टर्म है इनमें भी यहाँ पे 1/r है, ये तो हमने कॉमन ले चुके हैं बार, सो 1/r है, तो इसमें करो ये 1/r माइनस आयोटा के, तो माइनस आयोटा के 1/r प्लस 1/r, तो ये कैंसिल आउट, यहाँ से आ गया ए स्क्वेयर बाई आर स्क्वेयर माइनस 2 आयोटा के, लेकिन जो हमारी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एस की वैल्यू होती है माइनस आयोटा एच कट बाई 2m इंटू दिस टर्म, सो इज इक्वल टू माइनस आयोटा एच कट बाई 2m ए स्क्वेयर बाई आर स्क्वेयर माइनस 2 आयोटा के, सो 2 से 2 कैंसल आउट, आयोटा आयोटा माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, और आयोटा आयोटा माइनस 1, आयोटा आयोटा क्या बनेगा हमारा माइनस 1। तो हम कैलकुलेट करते हैं भाई ये वैल्यू, अरे ये तो पॉजिटिव आएगी, ये पॉजिटिव आएगी, ये नेगेटिव आती है, जब सबट्रैक्ट करेंगे तो ये दोनों पॉजिटिव आएगी, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ये पॉजिटिव आएगा, सो जो हमारा फाइनल आएगा वो आएगा आयोटा स्क्वेयर माइनस का एच कट ए का मोड का स्क्वेयर बाई एम आर का स्क्वेयर, सो एच कट के भी आ गया, के बच गया हमारा, कि एच कट के डिवाइड बाई एम ए का स्क्वेयर बाई आर का स्क्वेयर, सो ये आ गई हमारी वैल्यू प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी की। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो बताओ। सो बच्चों ये हमारा प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी से रिलेटेड थी ये प्रॉब्लम, मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारे प्राइसेज हैं वो विद इन वन वीक प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, जो कोर्स हमारा 11,550 रुपये का पड़ता है वो हमें 4,400 रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे अगर हम सब्सक्रिप्शन लेते हैं उसके लिए, तो जितना जल्दी हो सके अन अकेडमी
पर सब्सक्रिप्शन ले और 1 ईयर का लें, क्योंकि नेट जीआरएफ की तैयारी के लिए कम से कम 1 साल का सब्सक्रिप्शन तो जरूरी होता है, क्योंकि वहां पे टॉप मोस्ट जो एजुकेटर है इंडिया के, वहां उनसे इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है। और एक लेक्चर की रिकॉर्डेड वीडियो होती है। अगर कोई टॉपिक आपको किसी एजुकेटर समझ समझ में नहीं आता तो आप अपना एजुकेटर भी चेंज कर सकते हैं। तो इतनी अच्छी फैसिलिटी मिल रही है यहाँ पे, तो जितना जल्दी हो सके अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लें और नेट जीआरएफ निकालो और अपने सपनों को साकार करो। और जैसे ही आप ये कोड मांगा जाता है, जैसे डालोगे तो आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट और मिलता है। थैंक यू। लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।